बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं सही के लिए आज मैं आप देख रहे हैं सभी शाटी चैनल। आज मैं अपने बटेरे और शाटी की दोस्ती करवाऊंगा और आज फुल फनी वाला ब्लॉग आएगा। आज मैं नूडल्स बनाऊंगा वो भी सब्जियों के साथ। पहले मैं नूडल लेके आया था, फिर उनके अंदर पानी डाला था, फिर मैंने उनके से। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मेरी स्कूल की छुट्टी थी इसलिए मैं आज नूडल बना रहा हूँ और बहुत मज़े के बना रहा हूँ। जैसे कि हम केचप भी डालूँगा मैं इसके अंदर। आज की रेसिपी फुल मज़ेदार होएगी। अभी मैं इसे बना रहा हूँ, शाटी थोड़ी देर बाद दरवाजे भी देगी। ये मैं बटेरों को निकालूँ अपने वाइट वाइट से चिकनों को, चिकन चिकन का मैं इन्हें कहते हैं। इनका मीट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है इसलिए मैंने पाली में। लेकिन ये दोनों फीमेल है, मेल इनमें से कोई सा भी नहीं। ये कैमरा मेट क्यों आ रहे हरे हरे साथ। आज मैंने इनकी दोस्ती से दिल भरी नज़रों से शाटी देखती है। शाटी और आज इनकी मैं दोस्ती करवाऊंगा क्योंकि ये दोनों ना इनका ना रोज ना ये आपस में लड़ते हैं। ये बटेर शाटी को मारता है और शाटी बटेरों को मारता है। बहुत फनी है। अब मैं बटेरों को अंदर डाल रहा हूँ और अब शाटी को मैं भाई शाटी रहती है पूरे दिन। ओए ये कैमरा तो मेरी तरफ ही देख रहा है। चलो कैटवॉक देखो मेरी, और कैटवॉक के लिए एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नूडल्स बना रही हूँ इसलिए फौरन पहुँचगी शाटी। तो मैंने नूडल्स में सब्जियां कट करी थी वो अब मैं नूडल्स में जा रहा हूँ। अब शाटी की आप वॉइस सुनिएगा थोड़ी देर बाद। ओए खाला खाला चल तू बना, मैं जा रहा हूँ, फिर मुझे बुला लिया। आपने शाटी के काम चेक किया बोलने का? शाटी अब बोलना भी शुरू हो गया। शाटी के काम चेक किया? भूख के मारे इसका पेट जब नहीं होता ना ये बोलती रहती है बोल। अब मैंने इनके अंदर मसाला भी डाल लिया और अब मैं केचप डालूंगा और इसके अंदर मज़े से मैं केचप डाल रहा था। जब का पैकेट मेरे से खुल नहीं रहा था इसलिए मैंने आप ही की मदद ली। अब शर्ट अरे ओइसा जल्दी से बना भी ले नूडल्स, मुझे भूख लग रही है, भूख से मेरी जान निकले जा रही है। हौसला रखो हौसला रखो शाटी, मैं आपके लिए नूडल्स बना रहा हूँ। अब शाटी ना बहुत एक्टिव हो गई है। शाटी को कभी कभी खेलना होता ही है, कभी कभी नहीं खेलती शाटी, पता नहीं क्या इरादा है। अब मैं नूडल्स को के अंदर चम्मच ला रहा था ताकि ये पक जाए और ये पक गया। अब मैं इन्हें डाल रहा हूँ बाउल के अंदर जिसके मदद से मैं खाऊँ। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो अब मैं चॉपस्टिक से नूडल्स खाऊंगा जो बहुत मुश्किल काम मुझे है। अब मैं इनके अंदर केचप डाल के खाऊंगा और केचप मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है। टिक की मदद से मैं इन्हें अब खाऊंगा। केचप पकड़ने अब बहुत मुश्किल है, इन्हें थोड़े थोड़े से आएंगे सिर्फ ये। मैंने शाटी को नूडल्स दे दिए थे, वो अपने आराम से बैठ कर नूडल खा रही थी। इन नूडल के मेरी अपनी रेसिपी थी, ये बहुत मज़े के बने थे और मैं इनके साथ मिर्चे खा रहा हूँ ताकि मुझे मिर्चे लगे। लेकिन मुझे नहीं लगती, मैं जितना भी मिर्चे खा लूँ ना मुझे मिर्चे नहीं लगती। मेरी ये अपनी रेसिपी थी, आप केचप और नूडल वो केचप और सब्जियों के साथ आप बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। ये बहुत हेल्दी रेसिपी हो जाती है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग बड़ा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीगा, घंटे भी बजा दीगा। इस रेसिपी को भी आप ट्राई कीगा। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा। लाइक शेयर मुझे दें इजाज़त। अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा। बाय बाय टाटा सी गुड बाय गया।